Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. Stay home, stay safe, and stay healthy. And if for any reason you all are going out, so kindly follow all the safety measures. Okay? Mask पहनिए, gloves पहनिए और hand wash use करिए. Soap use करके अपने hands को अच्छे से wash करिए, है ना? और जब भी आप बाहर जाके आओ, तो take proper bath and change your clothes. Okay? ये सारे सेफ्टी मेजर्स आप सारे बच्चे फॉलो करिए. ओके, नाउ आई एम सनीला मैकुटा. आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन 5, कीपिंग क्लीन. ओके, सो टेक आउट योर बुक, टेक आउट पेज नंबर 37, लेसन 5, कीपिंग क्लीन. ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न सम क्लीनली हैबिट्स, है ना, some cleanly routines that one should follow in his or her daily life, right? Okay, so first of all we'll start with the meaning of the lesson. Okay, keeping clean. What do you understand by keeping clean? Do you know? Okay, ma'am will tell you. Keeping clean means clean rakhna, saaf rakhna, right? Khud ko saaf rakhna, environment ko saaf rakhna, hai na? ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, राइट? कीपिंग क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इट शुड बी देयर इन आवर डेली लाइफ, राइट? सम इम्पॉर्टेंट हैबिट्स दैट वन शुड फॉलो टू कीप देमसेल्फ क्लीन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. ओके, कीपिंग क्लीन इज अ पोएम, है ना? कीपिंग क्लीन एक पोएम है जिसे हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक वार्म अप करेंगे, राइट? अ वार्म अप एक्सरसाइज टू नो मोर अबाउट the lesson keeping clean, right? Okay, look into your book everyone and keep your finger where I'm reading and also keep a pencil with you so that whenever ma'am asks you to underline a word or tick a word you can do it advance, hai na? So सबसे पहले हम एक वार्म अप से स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक में भी शो हो रहा है. मैम ने आपको बोर्ड पे बना के इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में, राइट? सो टेक आउट पेज नंबर 37, कीपिंग क्लीन. फर्स्ट टॉपिक है आपका वार्म, राइट? इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सी द ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट द वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट एक्शन वी डू विद देम, है ना? हमें कुछ पिक्चर्स शो हुए हैं जिनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और हमें ये बताना है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? वी हैव टू टेल or we have to fill the words in this blanks so that fill the spellings in this blanks so that it will become a proper word that explains what action we perform using these objects, right? Okay, so let's start with the first picture. आप अपने बुक में देख सकते हो या मैम के साथ बोर्ड पे भी आप लोग देख सकते हो. फर्स्ट पिक्चर दिखाया बेटा, ध्यान से देखो. आप सबको पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ टूथपेस्ट एंड दिस इज अ टूथब्रश, राइट? फर्स्ट पिक्चर में हमें टूथपेस्ट और टूथब्रश दिखाया है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? अब हमें बताना है हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग व्हाट यू डू? सबसे पहले सुबह उठ के हम क्या करते हैं? We brush our teeth, right? We brush our teeth, we clean our teeth to kill all the germs that are in our mouth, है ना? To keep our teeth clean, right? So हमें action के बारे में बताना है यहाँ पे. So मैं आपको पहले बता दूँ, जब हम किसी के action के बारे में बात कर रहे हो तो उस word में ing होता है, right? So हम brush और toothpaste use करके जो action perform करते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए कि कुछ मिलता जुलता वर्ड है आपको जो ऑब्जेक्ट में शो हुआ है उससे कुछ सिमिलर दिख रहा है कि आपको ये ब्लैंक्स देख करके. सो फर्स्ट विल राइट बी आर यू के बाद हम बी आर के बाद में हम यू लिखेंगे देन एस एच इट विल बिकम ब्रश, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड इज B R U S H. क्या है ये? ब्रश. वी विल एड आई एन जी टू द वर्ड देन इट विल बिकम ब्रशिंग,
राइट। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ब्रशिंग। वी परफॉर्म एन एक्शन कॉल्ड ब्रशिंग यूजिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज अ बॉटल ऑफ हैंड वॉश एंड अ सोप, राइट। सो हमें अब ये बताना है कि हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं। पता है आप लोगों को, यस, वी वॉश अवर हैंड्स, राइट। यूजिंग हैंड वॉश वी वॉश अवर हैंड्स, वी रब एंड रब इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देन विल यूज वाटर एंड रिंस ऑफ ऑल द सोप एंड विल पैट ड्राई आवर हैंड्स, राइट। हम क्या करते हैं, हम हैंड वॉश यूज करके हाथों को रब करते हैं, पूरा अलग अलग डायरेक्शंस में हैंड्स को रब करके फिंगर्स, नेल्स, पाम पूरा क्लीन करते हैं। उसके बाद पानी डाल के पूरा सोप साफ करते हैं, उसके बाद हाथों को सुखाते हैं कपड़े से पोंछ कर, राइट। ओके, सो एंड द अदर वन इज सोप, राइट। सोप यूज करके हम क्या करते हैं, सोप यूज करके द सेम थिंग वी कैन डू, वी कैन वॉश अवर हैंड्स एंड ऑल्सो वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स, वी कैन वॉश अवर डिशेस, है ना। हम सोप यूज करके हाथ तो धोते ही हैं, उसके अलावा हम कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, राइट। यस, सो द एक्शन रिलेटेड टू दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज वॉश, है ना। तो वॉश का स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे WASH, वॉश। ओके, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट इज परफॉर्म यूजिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स, वी आर गोइंग टू एड ing टू द वर्ड, राइट। वेन वी एड ing टू द वर्ड इट विल बिकम वॉशिंग, राइट, इट बिकम वॉशिंग। ओके, नाउ द थर्ड वर्ड, सी वॉट आर द ऑब्जेक्ट्स, अ बकेट एंड अ शावर, है ना। इस बकेट में बेटा पानी है और शावर से भी हमें पानी मिलता है, राइट। तो हम शावर यूज करके क्या करते हैं, यस वी बाथ, वी यूज शावर टू टेक बाथ, है ना। सेम वे अगर आप शावर नहीं यूज कर रहे हो तो आप बकेट से भी नहा सकते हो, आप बकेट में बकेट पानी लेकर के मग यूज करके हम पानी हमारे ऊपर डालते हैं, राइट। सो बोथ वे वी कैन यूज टू टेक बाथ, राइट। सो द एक्शन दैट वी परफॉर्म यूजिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, बाथ। सो वी विल राइट स्पेलिंग ऑफ बाथ, BATH, bath. Then we will add ing to the word and it will become bathing, right? So this is the third cleanly habit that we should follow in our daily life. What we do, we pour some water on our body, then we use soap and we rub all over our body and we clean our body and then again we put some water and then rinse off all the soap and dirt from our body and then we will pat dry our body, right? So this was the third one. Now the fourth one, kya dikha hai aapko picture mein, kaun sa object hai ye, yes it is a cloth, hai na, which we call towel, right? इसे हम towel कहते हैं। towel हम क्यों use करते हैं, पोंछने के लिए, right? सो जब आप नहाते हो या आप हैंड वॉश करते हो या आपने फेस वॉश भी क्यों ना किया, तो क्या आप ऐसे ही पानी रहने देते हो, नहीं, वी क्लीन, वी ड्राई आवरसेल्फ, राइट। हम क्या करते हैं, हम पानी या फिर फेस वॉश किया हुआ, हैंड वॉश किया हुआ, जो भी किया हो उसको हम टॉवल यूज करके क्लीन करते हैं पूरा और खुद को ड्राई करते हैं, है ना। सो व्हाट वी डू इज वी वाइप आवरसेल्व्स, राइट। सो वाइप की स्पेलिंग लिखेंगे पहले WIP, देन वी विल ऐड ing टू द वर्ड, इट विल बिकम वाइपिंग, राइट। ओके, सो दीज आर सम बेसिक रूटीन हैबिट्स दैट वन शुड फॉलो टू कीप देमसेल्फ क्लीन, है ना, टू कीप देमसेल्फ safe from all the germs, right? We should brush our teeth twice a day, we should take bath twice a day,
है ना, हमें रोज दो बार ब्रश करना चाहिए, दो बार नहाना चाहिए ताकि हम खुद को क्लीन रख सकें, राइट? नाउ विल स्टार्ट आवर लेसन, विल रीड द पोएम. यू हैव टू कीप योर फिंगर वेयर मैम इज रीडिंग एंड कीप योर पेंसिल विथ यू. एंड वेन एवर आई आस्क यू टू अंडरलाइन अ वर्ड और टिक अ वर्ड, यू कैन डू इट एट वंस. ओके, सो take out page number 37 and look into your book everyone. Ma'am is going to read. Every morning we get up, there are things we must do. Keeping clean can be so much fun for you and everyone. Every morning we get up, there are things we must do. Keeping clean can be so much fun for you and everyone. We wash our hands, we rub and rub, we wash our faces as you can see. Right? Then brush up and down, come brush your teeth with me. We clean our body, we scrub and scrub, we put soap and water to keep our body clean. So, this was a poem. Now, I'm going to explain you one by one. Let's read first stanza again and then ma'am will explain, okay? Every morning we get up, there are things we must do. Hai na? First or second line mein kya bola hai? रोज सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे मैंडेटरी हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करने ही हैं, जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते, जिन्हें हमें फॉलो करना ही है, है ना? सो कीपिंग क्लीन कैन बी सो मच फन फॉर यू एंड एवरीवन. और खुद को क्लीन रखना या सराउंडिंग को क्लीन रखना बहुत इंटरेस्टिंग है ना? कैन बी सो फन, इसे करने में हमें मज़ा आता है. क्यों? क्योंकि हम एक तरफ खुद के बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, खुद का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उसी के साथ हम दूसरों को भी सेफ रख रहे हैं, है ना? हमारे इन्फेक्शन से या हमारी गंदगी से हमारे साथ वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी शुड डू इट एवरी डे, राइट? सो सबसे पहले उठ के सुबह हम क्या क्या करते हैं? ब्रशिंग, वॉशिंग आवर हैंड्स, बाथिंग, ये सब हम स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें रोज इसे फॉलो करना है और रोज खुद को क्लीन रखना है, राइट? देन वी वॉश अवर हैंड्स, वी रब एंड रब, वी वॉश अवर फेसेस एज यू कैन सी. वी वॉश अवर हैंड्स, हम हैंड वॉश यूज करके, सोप यूज करके हम हैंड वॉश करते हैं. वी रब अवर हैंड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देन वी विल पुट सम वाटर एंड रिंस ऑफ ऑल द सोप एंड देन वी विल पैट इट ड्राई यूजिंग अ क्लीन एंड फ्रेश टॉवल, है ना? हम हैंड वॉश यूज करके अपने हाथों को वॉश करते हैं, पानी डाल के सोप पूरा वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद एक क्लीन ड्राई टॉवल यूज करके हाथों को पोंछते हैं, राइट? द सेम वे वी वॉश अवर फेस, हम फेस वॉश करने के लिए भी सोप या फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसके बाद फेस पे पूरा अप्लाई करके क्लीन करके पानी से वापस उसको पूरा क्लीन करके क्लीन एंड ड्राई क्लोथ या टॉवल यूज़ करके हम फेस पूरा ड्राई करते हैं, पोंछते हैं, राइट? सो दिस वॉज द टू स्टैंजास एंड नेक्स्ट टू वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू about some difficult words given in these two stanzas, right? And I will tell you the meaning and then you have to write it in your fair copy. Okay? So first difficult word, take your pencil and underline the word that I am telling you, है ना? जो word मैं यहाँ पर लिखने जा रही है आपको pencil से आपके book में underline करना है, then उसको आपको अपने class का copy में लिखना है, right? So the first word is morning, okay? Then the second word is keeping. Third word is everyone. Fourth word is hands. Fifth word is wash. And sixth word is faces. Okay? So
ये 6 वर्ड्स आपको आपकी क्लासवर्क कॉपी में लिखना है और इसके मीनिंग्स के साथ इसकी स्पेलिंग्स याद करनी है, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड इज मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स सुबह. कीपिंग, कीपिंग मीन्स रखना. एवरीवन मीन्स सब लोग. हैंड्स मीन्स, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव? टू हैंड्स. ओके, हैंड्स मीन्स हाथ. वॉश, वॉश मीन्स साफ करना, है ना, क्लीन करना. देन फेसेस, फेसेस मीन्स आवर फेस. ओके, सो दिस इज इट. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट आवर लेसन. विल रीड द पोएम अगेन. ओके, टिल दैट यू हैव टू रीड द फर्स्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम एंड लर्न ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, गुड डे डियर स्टूडेंट्स.